For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर राजीव नवीन बकरी है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ और करंटली मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने फेलोशिप की हुई है न्यूरोसर्जन में कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जन्स। उसके अलावा मैंने मास्टर्स डिग्री भी की है न्यूरोसर्जन में जो कि शाहजहांपुर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके अलावा मैंने 3-4 फेलोशिप जो है अमेरिका से की स्टेट जिसमें के दिमाग की खून की नाली की एक फेलोशिप है और एक उन दिमाग की रसोलियों के बारे में फेलोशिप है जो कि दिमाग को निचले जिनकी अप्रोच। इसके अलावा मैंने एंडोस्कोपी में सेशन ट्रेनिंग की है वो भी अमेरिका में पिट्सबर्ग में की है और उसके जरिए हम नाक में से जाके दिमाग की रसोई निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो हेड इंजरी हो जाती है पेशेंट को उनका अगर पानी लीक हो रहा हो तो हम क्लियर कर सकते हैं उसको भी हम नाक करके रिपेयर करते हैं। पहले लोग ऊपर से कॉपी को कॉल भी करते थे लेकिन अब नाक के जरिए एंडोस्कोपी कर दी हो जाती है। और एक सिस्टम पर न्यूरोसर्जन होता है जिसको न्यूरो मेडिटेशन सिस्टम कहते हैं उसके ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग जर्मनी ने की है और ये चीज़ें तमाम दुनिया हम इस्तेमाल भी करते हैं और उनके जरिए लोग भी करते हैं। न्यूरोसर्जन बेसिकली सर्जन होता है जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो आसाब होती हैं जो कि बाजू में या जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं उनकी भी बीमारियां जो होती हैं उनको होती हैं सर्जिकल। तो इसके इनको सर्जिकल न्यूरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि दिमाग और आसाब और उनसे जो रगे निकल के जिसमें बाकी हो जाती है उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। न्यूरोसर्जन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों का इलाज करते हैं। इस दौरान में अगर फर्ज कर स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करना है तो उसमें इलाज भी करना है जो स्पाइनल प्रॉब्लम होता है जो कि बोनी एरिया उसको खोल के उसे अंदर जाना पड़ता है। तो इसलिए न्यूरोसर्जन जो है तो वो स्पाइन को जो बोन का वर्क है वो भी चलता है और अंदर जो आराम वर्क है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी काम करता है। इसी तरह दिमाग में भी जो खोपड़ी के कुछ अमराज हैं जो कैंसर हैं किस किस्म की चीज़ें हैं तो वो भी न्यूरोसर्जन को डील करनी पड़ती है। इसके अलावा दिमाग के अंदर जो प्रॉब्लम है जो कि सर्जिकल इशूज है उनको भी न्यूरोसर्जन होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन का क्योंकि बेसिकली ताल्लुक सिर्फ हड्डियों के साथ होता है तो वो जो एलिमेंट ऑफ बोन है बॉडी में उसको स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो बोन ही कवर है उसका इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कर सकता है और न्यूरो सर्जन भी ज्यादातर करते हैं पाकिस्तान। बाकी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसने हड्डी का काम करना है लेकिन हड्डी का काम भी दिमाग की हड्डी का काम वो लोग नहीं कर सकते वो भी न्यूरो सर्जन नहीं करते। तो न्यूरोसर्जन जो है वो हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है या हड्डी के अंदर जो दिमाग है उसके ऑपरेशन और उसका इलाज करते हैं जबकि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो अमूमन लॉन्ग बोन उनके ज्यादातर न्यूरोसर्जरी में जो है वो 70% आपके लिए जो हमारा काम है वो ट्रॉमा है यानी हेड इंजरी है और हेड इंजरी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है क्योंकि लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनके ऊपर अमल नहीं करते और उसकी वजह से उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज्यादा तो हमें उनको चोट लगती है घर में भी और आराम में भी। इसके अलावा ऊंचाई से गिरने के बाद भी कमर को चोट लग सकती है और दिमाग में भी चोट लग सकती है। तो 70% काम जो है वो पाकिस्तान में एक न्यूरोसर्जन का वो ट्रॉमा को हैंडल करना है। इसके अलावा जो दिमाग की रसोलियाँ होती हैं उनके इलाज करना उनके ऑपरेशन करना इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर उनके दिमाग में पानी होता है जिसको हम हार्ट टैबलेट करते हैं उसका इलाज करना और इसी तरह उनकी कमर के बाद पैदाइशी तौर पर फोड़ा होता है जिसकी वजह से उनकी
टांगे में जो है पैरालाइजिस में काम नहीं करती, तो उसका इलाज करना थी सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी हैं कि जिनमें कोई ऐसा ट्यूमर या कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो उनके इलाज भी करते हैं। मतलब चेहरे पे कभी किसी का दर्द हो जाता है, तो उसका भी अल्टीमेट हाल जो है वो एक ऑपरेशन के जरिए किया जाता है, तुरंत रिपेयर करते हैं, वरना मैं इसके अलावा ये जो दिमाग में पानी भर जाता है तो उसके भी दो तरीके से उसका इलाज करने के लिए निकाला जाता है। और आजकल जो लेटेस्ट है जो कि हम भी कर रहे हैं वो एंडोस्कोप की मदद से वो खुराक सजाती तौर पर बढ़ कर फोन दिया जाता है, तो वो भी अलग जुर्माने तौर करते हैं उसको चंड की जरूरत होती है। लिहाजा जनरली स्पीकिंग न्यूरोसर्जरी में ट्रॉमा है, हेड इंजरी या स्पाइन है, इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है, इसके अलावा ये हार्ट अटैक होता है, और फिर एक जो बहुत कॉमन कंडीशन है और जिसका बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पाकिस्तान में भी है और उनका इलाज सर्जरी के जरिए होता है, उसको सियाटिका या दर्द या को मिलता, उसके अंदर डिस्क और लैप्स होती है जो कि दो मौकों के दरमियान नर्व नटी होती है। सबसे ज्यादा ऑपरेशन किसी भी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में लेमिनेक्टोमी या कमर के ऑपरेशन होती है, जिसके लिए टांग में दर्द होती है। उसके जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और उसकी हमेशा जिन लोगों को कमर में दर्द होता है जिनके 80% दुनिया की जो आबादी है उनको जिंदगी में कभी ना कभी कमर में दर्द जरूरी होता है, तो उनको बताया जाता है कि आपको अपनी कमर को सीधा रखें, बहुत ज़्यादा बैंड करके तो काम न करें। तो जैसे होता है कि आधा टीचर आधा बटे लेटा भी हुआ और बैठा भी हुआ, किसी चीज़ को उसके अंदर वो कमर को जी ठीक नहीं होती, उसको सब कुछ वो पकड़ जाती है और उनमें किसी भी तक नहीं होता है। तो ऑफकोर्स ये जो पोस्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कमर दर्द के लिए, काफ़ी हद तक जो सियाटिका है और इसी तरह जो एक काउंटर पार्ट है जिसको हम ब्रेकल दिया कहते हैं, जो गर्दन के मोड़ों के स्लिप होने की वजह से बाजू में दर्द आ जाता है उसको ब्रेकल दिया कहते हैं, और जो कमर की दर्द की वजह से टांग में दर्द आ जाता है उसको हम सियाटिका कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, रेस्ट बताया जाता है, पोस्चर इंप्रूवमेंट बताई जाती है, सब काम करने से मना किया जाता है, और उसमें कमर के और सियाटिका के जो पेशेंट हैं उनमें तकरीबन 30-40% जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों के साथ ठीक हो जाते हैं, जबकि गर्दन में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें 80% लोग जो हैं वो बगैर ऑपरेशन में ठीक हो जाते हैं। तकरीबन गर्दन के लिए 20% मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और इसी तरह कमर का दर्द और सियाटिका में तकरीबन 40-50% ऑपरेशन जो है तो वो उस वक्त जरूरी हो जाता है कि जब पेशेंट की दर्द जो है वो अगर 2 महीने से ज्यादा ले ले और वो कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ और रेस्ट करने के साथ मेडिसिन खाने के साथ अगर उसकी कोई बेहतरी नहीं हो रही तो फिर उसमें एक तो ऑपरेशन की जरूरत चेक आ जाती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को पाँव में कमजोरी पैदा हो जाए या उसके छोटे बड़े पेशाब का कोई इशू बन जाए तो ये वो टाइम है जब आप फौरी तौर पर, यहाँ पर मैं ये कहना बहुत जरूरी समझता हूँ क्योंकि जनरली लोगों की जो आवाम है उनके दिल में ये होता है कि ये डॉक्टर शायद गैर जरूरी ऑपरेशन बता रहा है और इसकी जरूरत नहीं है। उसमें एक कंडीशन है जिसको हम कॉर्डा एक्वाइनस सिंड्रोम कहते हैं कि जिसमें बहुत क्विकली डिस्क जो है वो कोलैप्स करती है और उसके बाद पेशेंट के दोनों पाँव कमजोर हो जाते हैं और उसका छोटा बड़ा पेशाब जो है वो फ्री हो जाता है। ये वो कंडीशन है कि जिसको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत होती है, और अगर 12 घंटे के अंदर अंदर से मर्ज में पेशेंट हो जाए तो पेशेंट वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो सकता है, लेकिन अगर 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर उसमें रिकवरी नहीं होती, फिर वो जो बात है वो किसी किसी को चली जाती है कि कुछ बेहतर होगा कुछ बेहतर नहीं होगा, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए पेशाब का कंट्रोल नहीं आता वहाँ। इसलिए ये सोचने का चाहिए कि ऐसी जो कंडीशन अगर है तो उसमें फौरी तौर पर ऑपरेशन का फायदा होगा, वरना तो सारी जिंदगी में फंसता है। एक तो दिमाग के जितने भी अमराज हैं उसमें हमें दिमाग
खोपड़ी में उसको खोलना पड़ा। तो खोपड़ी खोलने को हम ट्रेन यात्री भी कहते हैं, और उसके जरिए से हम अंदर काफी कदम करते सीखते थे। बाद में रसोली है तो हम रसोली भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि चेहरे के दर्द होती है, जिसको ट्राइजेंडम रेजिडेंट कर रहे हैं, उसमें भी पहले ट्रेन यात्री करके और अंदर जाकर फिर उसका तो रिपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा पानी होता है उसके लिए भी पड़ता है, उसके लिए भी पड़ता है, उसमें शंट लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो कमर के ऑपरेशन है तो उन भी लाजमी बात है कि हमें पहले स्पाइनल प्रॉब्लम जो है उसको खोलना पड़ता है, और उसको खोलने के बाद हमारी एक्सेस जो है तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक हो जाती है, और फिर उसमें जो भी मसला है सियाटिका है उसका ऑपरेशन है, जो स्पाइनल ट्यूमर है उसकी वजह से काफी कमजोर हुई है तो वो भी ऑपरेशन होता है। और ज्यादातर जो ऑपरेशन है न्यूरोसर्जरी में किसी भी सेंटर में पाकिस्तान के अंदर वो स्पाइन के ऑपरेशन जो कि सियाटिका से नहीं किए जाते, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में तकरीबन 3-4 ऑपरेशन रोजाना सियाटिका के होते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे न्यूरोसर्जरी में अपेंडिक्स बहुत कॉमन है तो इस तरह न्यूरोसर्जरी में सियाटिका बहुत कॉमन है और वो उनके ऑपरेशन में। अब ये है कि दिमाग की रसोली है तो उनका तो दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन हैं जैसे कि मैंने जनरल न्यूरोलॉजी का जिक्र किया, इसके अलावा ये जो हाथ पांव कांपते हैं जिनको राटे की बीमारी कहते हैं, जिसमें कि प्रोटोटाइप पार्किंसन डिजीज है, तो उसके लिए भी स्पेशल ऑपरेशन दिमाग की जैसे जो कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उसके साथ ये है कि मरीज को कुछ सारी बिल्डिंग निकालनी पड़ती है, वो ऑपरेशन करवाने के बाद उनके हाथ कांपने के लिए तो वो फौरी तौर पर बेहतर होगा। ये ऑपरेशन भी होते हैं तो मेजॉरिटी जो है तो वो यही ब्रेन ट्यूमर माइंड या जैसा स्पाइनल ट्यूमर, और फिर जो अगर किसी वजह से गोली लगने से या वैसे डैमेज हो गए तो लगातार बाजू में या कान में कट लगने के तरह के एक्सीडेंट, अगर किसी को बताते हैं सेंस चाहिए तो वो मरहम के प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं।